जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। मित्रों, आज मैं आपको MPPSC 2020 स्टेट सिलेक्शन एग्ज़ाम का एंड फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम का फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ये कट ऑफ बहुत एनालिसिस करके निकाला गया है, ऐसे ही मैं टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको MPPSC के बारे में ऐसी ही सच्ची जानकारी चाहिए तो फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज MPPSC ने अपना फाइनल आंसर शीट जारी कर दिया है और जिसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, जिसका सीधा असर आपके फाइनल कट ऑफ में रिफ्लेक्ट होगा। उन सब बातों को मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको MPPSC का 2020 का फाइनल कट ऑफ देखना है तो आप MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ऐसा एक होम पेज दिखाई देगा। उस होम पेज में आप स्क्रॉल करके अगर सबसे नीचे जाएंगे तो आपको एक हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है फाइनल आंसर की स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020। आप सब MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। अगर अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है इस वीडियो के बारे में या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। MPPSC की जो फाइनल आंसर की जारी हुई है उसमें जनरल स्टडी पेपर 1 में मैथ सेट ए के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग सेट बी सी और डी देख लीजिएगा क्या चेंजेस किए गए हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पूरे पेपर को नहीं डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले जो आंसर की आई थी प्रोविजनल उसको चेक किया होगा, तो उस आंसर की से इस आंसर की में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे पेपर 1 का जनरल स्टडी के सेट ए में क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन ए एंड डी दोनों हैं, और क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन ए एंड बी दोनों हैं, और क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन बी एंड सी दोनों हैं। MPPSC ने जो अपनी प्रोविजनल आंसर सीट जारी की थी उसमें पहले एक ही ऑप्शन था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए जिसकी वजह से MPPSC को कुछ चेंजेस करने पड़े। पेपर 1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका स्टेट सिलेक्शन एग्ज़ाम का सिविल सर्विस वाला पोर्शन जो होता है उसमें ज़्यादा असर कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पेपर 2 में जो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है उसमें 17 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए गए थे, जिसके खिलाफ बहुत ऑब्जेक्शन हुए थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स थे वो इंस्ट्रक्टर्स थे वो MPPSC के कार्यालय गए थे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया कि इंग्लिश के जो 17 क्वेश्चन हैं उनको डिलीट किया जाएगा। ये MPPSC की बहुत बड़ी गलती है कि उसने 17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। MPPSC जैसा एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्टेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उससे ऐसी गलती तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो भी है। तो सेक्शन सेट ए का पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिलीट कर दिया गया है, 39 एंड 40 डिलीट कर दिया गया है, 51 एंड 55 भी डिलीट कर दिया गया है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 17 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका फॉरेस्ट सिलेक्शन एग्ज़ाम जो होता है, फॉरेस्ट सर्विस का जो सिलेक्शन एग्ज़ाम होता है उसमें एक बड़ा सा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इस फाइनल आंसर की का क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला इफ़ेक्ट जो होगा कि स्टेट सिलेक्शन एग्ज़ाम जो होता है उसका टोटल मार्किंग होता है 400, जिसमें दो पेपर होते हैं जैसे आपको पता ही होगा। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का, सेकंड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का 200 मार्क्स का, तो टोटल मिला के जो 400 मार्क्स होते हैं जिनको पूर्णांक कहते हैं। तो अगर 17 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए तो 34 मार्क्स का चेंज आएगा, तो आपका
400 मार्क्स जो था वो अब 366 पे आकर रहने वाला है। देखिए इसका जो पेपर वन में जो भी चार क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस आया है, जिनमें एक से ज़्यादा दो ऑप्शन सही कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेट सर्विस का जो सिविल वाला एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में, लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज। देखिए अब नेक्स्ट है कि इसका कट ऑफ पे क्या असर होगा। तो अब हम आते हैं आपके फाइनल कट ऑफ पे। मित्रों ये कट ऑफ ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, इस पर काफ़ी स्टडी की गई, एनालिसिस किया गया। ऐसे में और कोचिंग की तरह कुछ भी कट ऑफ नहीं बताता हूँ। अगर ऐसा बताना होता तो मैंने प्रोविजनल आंसर की देख के ही आपको बता दिया होता, लेकिन नहीं, मैं इस फाइनल आंसर की का वेट कर रहा था और एनालाइज कर रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लोगों के पेपर कैसे गए हैं। एक स्टडी भी कंडक्ट करवाई थी हम लोगों ने, जिससे हमें पता चला कि देखिए अगर आप जनरल मेल हैं, अनरिजर्व हैं, अगर आपके 70 मार्क्स हैं तो आप मेंस के लिए गो थ्रू हैं, 100% स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और अगर आप जनरल में फीमेल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, तो 68 मार्क्स इज एनफ, यू कैन क्वालिफाई फॉर मेंस। इसी तरह ओबीसी में मेल में अगर हैं तो 69 मार्क्स, ओबीसी फीमेल हैं तो 67 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट अगर मेल हैं तो 65 मार्क्स और शेड्यूल कास्ट फीमेल हैं तो 63 मार्क्स। मेरे मार्क्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन से, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एसटी मेल हैं तो 64 क्वेश्चन और एसटी फीमेल हैं तो 62 क्वेश्चन। मित्रों अगर आप सब ये सोच रहे थे 60 क्वेश्चन से नीचे कट ऑफ जाएगा तो ऐसा नहीं है, और अगर जो ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था 73 क्वेश्चन का उसके ऊपर जाएगा या उसके आसपास जाएगा तो उतना भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बात का पैटर्न थोड़ा चेंज था, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो MBBS गलतियों की वजह से काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो अब हम क्या करें, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर MBBS ने सही से एग्ज़ाम लिया होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हमें ऑलमोस्ट, हम ये एग्ज़ाम देने वाला जो एस्पिरेंट होता उसको ये पता होता है कि मेरा पेपर कैसा गया है, उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या मैं इसको क्वालिफाई करूँगा क्या नहीं क्वालिफाई करूँगा। लेकिन जिस तरह से MBBS ने सबको परेशान किया है उसकी वजह से बहुत लोग दुविधा में हैं। बहुत लोग मुझे DM भी कर रहे थे कि सर बताइए इसके बारे में कुछ, कि हम प्री की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। तो मित्रों मैं बताता हूँ, अगर आपके 70 क्वेश्चन जो मैंने कट ऑफ बताया उसके ऊपर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेंस की तैयारी के लिए भी आप अभी क्या कीजिए, आपकी जो कोर बुक्स हैं, ठीक है, कोर बुक्स का मेरा मतलब है आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं, ठीक है, ये आप अभी स्टार्ट कीजिए। इसका फ़ायदा देखिए क्या, इसका फ़ायदा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इस बार प्री क्लियर भी हो जाता है तो आपकी मेंस की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत तैयारियाँ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका इस बार प्री क्लियर हो जाता है तो भी आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप मेंस देंगे, 100% 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो नेक्स्ट टाइम का प्रीलिम्स जो होता है वो भी देते हैं, तो आपको उसकी तैयारी भी हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात में ना फंसें कि हम प्री की तैयारी करिए मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स जो कट ऑफ के ऊपर भी हैं तो आप तो प्रीलिम्स एग्जाम देने ही वाले हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कोर बुक्स उठाइए और इन कोर बुक्स के से क्या कीजिए कि आप जो बुलेट पॉइंट है नोट्स उनकी बनाने स्टार्ट कीजिए। बुलेट पॉइंट नोट्स का मतलब है कि आप बहुत बड़ा भी मत बनाइए, बहुत छोटा भी मत बताइए, जितना आपको ज़रूरी है मतलब 3 या 4 लाइन में हर चीज़ का वो आप लिख लीजिए। उससे आपको क्या बनेगा, आपकी एक तो मेंस के लिए आउटलाइन बन जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे इस बार का एग्ज़ाम का पैटर्न MBBS का चेंज हुआ है तो आगे भी ऐसे ही चेंज रहने वाला है, हमें काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा। आप तो लूसेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आता है यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली हेल्प इट आउट। एंड आपने तो एक्चुअली मोस्टली पढ़ा ही होगा, देखिए बुक बदलने से कुछ नहीं होगा कि आप अगर कहते हैं कि इस बार इससे नहीं आया उससे नहीं आया, देखिए हर एग्ज़ाम में 100 में से करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता होते और कहाँ से भी आ जाते हैं, और इतना वास्ट सिलेबस होता है तो हम सब कवर भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट कमांड आप उस चीज़ पर कीजिए कि हर चीज़ को आप मतलब बेसिक मत पढ़िए, हर चीज़ को आप ऐसे पढ़िए कि अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं।
हाँ अल्टीमेटली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे एमपीपीएससी का दे देता है, इस बार काफ़ी स्टेटमेंट्स दे दिए थे एमपीपीएससी ने, तो वो उसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारी बुक्स, एक ही सब्जेक्ट की 3 बुक पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आप उसी बुक में स्टक रह जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो मित्रों मेरी तरफ से इतना ही वीडियो था, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट भी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज ग्रंथ, सेम नेम से टेलीग्राम है, आप वहाँ भी डीएम करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, और इस नाम से ही इंस्टा पे भी है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल।